हेलो एंड वेलकम टू लिसस कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस। आज मैं आपको दिखाऊंगी सीमाई बर्फी। तो आज कुछ मीठा दिखाते हैं। तो सीमाई बर्फी बनाने के लिए जो जो चीज लगेगा पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। देखिए ये घर का चीजों से ही बन जाता है, उतना चीज कुछ लगता भी नहीं है सीमाई बर्फी बनाने के लिए। तो देखिए मैंने इधर में 60 ग्राम जैसा सेवई ले लिया है जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, और मैंने 1 टीस्पून रोज वाटर ले लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहो तो फ्रेश कोकोनट भी यूज कर सकते हो, 1 टेबलस्पून ले लिया मैंने। और मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून चॉप्ड आमंड, एंड मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून देसी घी, एंड कंडेंस मिल्क लगेगा 100 ग्राम जैसा। ठीक है, तो इतना सारी चीज लगता है सीमाई बर्फी बनाने के लिए। तो मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत ही इजी है ये बनाना। तो मैं एक कढ़ाई रख देती हूँ। तो जितना सा मैंने मेजरमेंट लिया है उसमें अगर आप डबल करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। तो पहले मैं घी डाल दूंगी। टेबलस्पून जैसा घी डाल दिया है मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी सेवई। तो घी को हल्का सा गर्म होने तक आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं गर्म करना है घी को। तो क्या होता है घी बहुत जल्दी ना बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो मैं हल्का सा ही गर्म करूंगी इसको। घी को हल्का गर्म करके इसके अंदर में सेवई को आपको रोस्ट करना है 5 मिनट तक एक मीडियम टू लो फ्लेम पर। बहुत ज्यादा नहीं गर्म करना है घी को, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हल्का सा गर्म हो गया है घी। अब मैं मीडियम फ्लेम में कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सेवई 60 ग्राम। 50 ग्राम टू 60 ग्राम आप डाल सकते हो। अब मैं इसको रोस्ट करूंगी। ठीक है, और इसको ऐसे करके ना थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो ये छोटा छोटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेते हैं ऐसे करके। इसको आप पहले भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है इसमें। हल्का सा 5 मिनट इसको बस रोस्ट करना है। सिवाय जल ना जाए ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्लेम अगर ज्यादा हो जाएगा ना तो इसको लो कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली इसको करना पड़ेगा। और इसको प्रेस करते हुए मैं इसको पीसेस में कर लेती हूँ। आप चाहो तो ये काम पहले भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर में मैं डाल दूंगी कोकोनट। मैंने सूखा नारियल का चूरा डाल रही हूँ, आप चाहो तो फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हो। ये मैंने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट, तो कोकोनट भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा। तो देखिए हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लगा है सिवैया का। अब मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी नट्स। तो मैंने नट्स डाल दिया है, नट्स भी इसके साथ रोस्ट हो जाएगा।
अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी रोज वाटर। आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, 1 टीस्पून जैसा। मैंने थोड़ा सा रोज वाटर डाला है तो रोज का फ्लेवर आएगा इसमें से। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूंगी कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क से ना इसके अंदर बाइंडिंग भी आएगा और स्वीटनेस भी आएगा। अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम जैसा कंडेंस मिल्क डालूंगी। और इसको मीडियम फ्लेम पे आपको कुक करना पड़ेगा। कंडेंस मिल्क से इसके अंदर सॉफ्टनेस भी आएगा और बाइंडिंग कंसिस्टेंसी भी आएगा। और ये जो मिठाई है आप 1 वीक तक फ्रिज में रख के खा सकते हो, टेस्टी लगता है बहुत इसको खाने में। देखिए जब ये पैन छोड़ने लगेगा साइड से तब मैं इसको कढ़ाई से ट्रांसफर कर लूंगी अलग से बोल में। कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहना है आपको, नहीं तो ना नीचे से जल जाएगा। तो इसको कंटिन्यूअसली ऐसे करके चलाते जाना है। फ्लेम ऑलवेज मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना पड़ेगा। देखिए जब ये पैन छोड़ने लगेगा ना तब मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी। इसको आप एक टीन के अंदर डाल के फ्रिज में सेट करके भी कट करके खा सकते हो। फ्रिज में 1/2 आवर रखना पड़ता है तो ये एकदम सेट हो जाता है। तो ये देखिए डो कंसिस्टेंसी बन गया है इसमें। ये देखिए पैन छोड़ने लगा है साइड से ये। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर डो कंसिस्टेंसी आ गया है, बाइंडिंग में आ गया है ये। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी। तो मैं एक बोल लेके इसके अंदर इसको डाल रही हूं, थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा इसको। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए इसको, मैं इंस्टेंट ही दिखा रही हूं लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने में ना ये अच्छा होता है। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा कुकी कटर ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर में मैं डालूंगी ये सिमैया को, तो शेप में आएगा। तो इससे पहले मैं कुकी कटर को ना थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेती हूँ। ठीक है,
और ये जो सिवैया है ना, ये इसको थोड़ा सा ठंडा होने में ना आसान होता है काम करना, लेकिन ये अभी बहुत ही गर्म है, लेकिन फिर भी मैं सेट करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने से ना क्या होता है, जल्दी सेट हो जाता है। ये हाफ एन आवर रूम टेम्परेचर में रखना अच्छा होता है। ठीक है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसको आप कोई टीन में भी डाल सकते हो, जो मतलब कि जो टीन होता है ना केक का, टीन के अंदर भी सेट कर सकते हो। बाद में इसको आप कट करके खा सकते हो जब ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मैं इंस्टेंट दिखा रही हूँ। इंस्टेंट दिखाने में प्रॉब्लम होता है, सेट नहीं होता है क्योंकि गर्म है बहुत अभी ये। ये देखिए, जब ठंडा हो जाएगा ना तो ये सेट हो जाएगा, अभी बहुत ही नरम है ये। ठीक है, तो ऐसे करके ना मैं सब कर लेती हूँ, क्योंकि इंस्टेंट दिखा रही हूँ मैं, तो बहुत ही गर्म है, सेट होने में प्रॉब्लम होता है ये। अब जब घर में बनाओगे ना तो रूम टेम्परेचर में हाफ एन आवर रख दीजिएगा टीन के अंदर सेट करके, उसके बाद इसको आप कट करके खा सकते हो। बहुत ही गर्म है तो हाथ में भी लग रहा है मेरा। ऐसे करके प्रेस कर दीजिए। कुकी कटर होता तो इसमें अच्छा होता है, ये कुकी कटर है इसलिए देखिए अच्छा हो रहा है शेप देने में। तो ये देखिए, तो ऐसे करके ना सबको मैं बना लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में जाने दूंगी तो ये सेट हो जाएगा। थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना थिकनेस में चाहिए। हाथ से इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए और इसको ऊपर से ऐसे करके निकाल लीजिए कुकी कटर को। हाथ से इसको ऐसे दबा दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देती हूं, तो ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो एकदम सेट हो जाएगा। अब मैं इसको रिप्लेस नहीं करूंगी क्योंकि अभी नरम है बहुत। ठीक है, इसको रूम टेम्परेचर में बस हाफ एन आवर रख दीजिए तो ये सेट हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको दिखा दिया है सिवैया बर्फी, ये आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाता है। ठीक है, इसका जो प्रोपोर्शन है उसके आपको ज्यादा मेजरमेंट का भी जरूरत नहीं होता है, आप अकॉर्डिंग आपका हिसाब से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप ये घर में बनाइएगा जरूर। तो गुड नाइट, आज के लिए इतना ही।